जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों वृंदावन के निधिवन में शाम के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित है और यहाँ पर स्थित मंदिर के कपाट भी सूर्य ढलने के बाद बंद कर दिए जाते हैं। आखिर निधिवन का रहस्य क्या है, इसको आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सरकार के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रजभूमि को कान्हा की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर राधा कृष्ण के कई मंदिर स्थित हैं, जहाँ पर हर रोज भक्त पूजा करने के लिए और दर्शन करने के लिए आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर तो दूर दूर से भक्तगण मथुरा और वृंदावन में कान्हा के रंग में रंगने के लिए आते हैं। कृष्ण की नगरी में कई ऐसे मंदिर हैं जिसे लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है। इन्हीं में से एक मंदिर है वृंदावन का निधिवन। इस जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के संग आते हैं। निधिवन में सूर्य ढलने के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। तो आखिर रात में निधिवन क्यों नहीं जाते? 200 पेड़ पौधों से घिरा वृंदावन का निधिवन अन्य वनों की तरह है, लेकिन कृष्ण के आगमन से यह जगह खास और पावन हो जाती है। यहाँ झाड़ियों के बीच एक छोटा सा महल है जिसे रंग महल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक निधिवन के रंग महल में हर रात कृष्ण अपनी गोपियों के संग रासलीला रचाने आते हैं। कहते हैं कि इस रासलीला को जिसने देखा उसकी दर्दनाक मौत हो गई, या तो वो पागल हो गया। यही वजह है कि निधिवन में शाम के समय नहीं आना चाहिए। वहीं शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है। दोस्तों दिन में खुला रहता है मंदिर, शाम होते ही निधिवन को खाली करा लिया जाता है, लेकिन वृंदावन आने वाले श्रद्धालु दिन में किसी भी समय निधिवन आ सकते हैं। यहाँ तुलसी मेहंदी और कदम के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि निधिवन में स्थित तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं और रात के समय सभी पेड़ गोपियों के रूप में बदल जाते हैं। निधिवन में रंग महल के अलावा राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। दोस्तों निधिवन से जुड़ी एक खास मान्यता, निधिवन के रंग महल में सूर्यास्त के बाद कान्हा के लिए भोग और पानी रखा जाता है। इसके अलावा राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और दातून पान भी रखा जाता है। कहते हैं कि जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यहाँ से पानी का बर्तन खाली रहता है और पान खाया हुआ मिलता है। लोगों की मान्यता है कि कृष्ण हर रोज यहाँ आते हैं और इन सब का भोग लगाते हैं। तो दोस्तों वृंदावन के निधिवन से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो YouTube पर बताई गई हैं। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।